असला गायज वेलकम बैक टू माई चैनल डॉक्टर कााना जोत आई होप यू ऑल आर वेल एंड सो बिकॉज हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो इस कैपिलो को डिस्कस किया था उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हमने जो जो मेन मेन पॉइंट्स डिस्कस करने हैं वो सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो है वो डिस्कस कर ली हैं अब हमारा प्रॉपर जो लेक्चर है वो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सो पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों का एक भी मेन पॉइंट जो है वो मिस ना हो सो so अब हम जो डिस्कस करें वो स्केपला इसके, का इंट्रोडक्शन एंड देन उसकी साइड डिटर्मिनेशन जो है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे मीन्स कि आज के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हम ये पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे uh, ये पॉइंट्स जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में मीन्स कि हमारे पास साइड की डिटर्मिनेशन किस तरीके से हम बोन को डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सी बोन है स्केपला बोन है ठीक है और आ, इसकी साइड डिटिमिनेशन के जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे साइड डिटिमिनेशन का मतलब ये होता है कि आपने बोन को उठाया और फिर आपसे एग्जामिनर ने अगर पूछा कि आपको कैसे पता चला है ये स्केपला है तो आपने बताया कि मैंने ये ये पॉइंट जो है वो मेन पॉइंट्स थे और वो सारे ये मेन पॉइंट्स मुझे जो है इस बोन में मिले हैं तो इस वजह से इनकी बेसिस पे मैं इसे कहती हूँ कि ये स्केपला बोन है सो मेन पॉइंट्स में हमारे ये पॉइंट्स हैं आप एक बार इसके जो है वो uh, पूरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ठीक ले, है और अब मैं पहले सारी इसकी थ्योरी कवर करूंगी उसके बाद मैं इस पेज को आपको लास्ट में इस पेज को डिस्कस करेंगे ठीक है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि इनमें मैंने किस चीज की बात की और कौन से ये पॉइंट्स हैं ठीक है स्टार्ट करते हैं सो so, स्टार्ट करने से पहले हमारे पास आप लोगों को पता हो मैं ठीक है हम लोग स्केपिरा की बात करते हैं मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये हमारे पास जो है वो बीरी चौरासिया का वॉल्यूम नंबर वन है उसमें से मैं इसके अपल कर डिस्कस करूं बोन्स को पहले हम यहां से डिस्कस करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं उस बोन की देन हम लोग स्नेल के एनॉटमी से मैं उस चीज को आपको डिस्कस करके बताती हूँ क्योंकि स्नेल में आपको थ्रीटिकली वो सारी बातें बताई गई है जो, जो कॉमन कॉमन आपको पता हो उस बोन से रिलेटेड मीन्स की डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई तो डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको अपर अपरलीफ एनॉर्टमी की मिलेगी बीडी चौरासे के वॉल्यूम नंबर वन से सो तो आप लोग ये वॉल्यूम जरूर पढ़िएगा सो so, स्टार्ट करते हैं स्केपला के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए द स्केप्युला लैटिन शोल्डर ब्लेड इज अ थिन बोन प्लेस्ड ऑन द पोस्टरिटर एस्पेक्ट ऑफ दसिक स्केप्युला हैजू सो फेजेस थ्री बॉर्डर्स थ्री एंगल्स एंड थ्री प्रोसेसिस प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्केपला बोन किस तरीके से होती है और उसकी वो एक थिन बोन है ठीक है पोस्टर लेटरली मीन्स की हमारी बैक बोन मीन्स की हमारी बैक में हमें मिलेगी ये बोन ठीक है इसके अलावा हमें क्या मिला है कि थोड़ा से केज के पीछे होती है ठीक है स्केपला के तीन सर्फ, दो सरफेजेस हैं तीन बॉर्डर्स हैं तीन एंगल्स हैं और तीन प्रोसेसेस हैं ठीक है प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं और हर प्रोसेस को हर बॉर्डर को हर सरफेस को हर एंगल को हमें अलग अलग तरीके से डिस्कस करना है सो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आके डिस्कस करेंगे उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो साइड डिटर्मिनेशन के साइड डिटर्मिनेशन में हमें कौन से पॉइंट आने चाहिए देखो साइड डिटर्मिनेशन में आपको पता हो कि दिटल और गिन ग्रीक सॉकेट एंगल इज अ लार्ज एंड बेयर्स दी ग्रीनॉइड कैविटी सबसे पहले आपको पता हो कि साइड डिटरमिनेशन में इसका एक लेटर और ग्रीनोइड एंगल होता है जो कि लार्ज होता है जिसमें हमें ग्रीनॉइड कैविटी मिलती है ठीक है ग्रीनोइट कैविटी मिलती है जहां पे आके ह्यूमरस बेसिकली अटैच होती है द डोर्सल सर्फेस इज कॉन्वेक्स डोर्सल सर्फेस मीन्स पुस्टीयर सर्फेस कॉन्वेक्स होगी एंड इज डिवाइडेड बाय दी ट्राइंगुलर स्पाइन इंटू दी सुप्रास्पाइनस एंड इन्फ्रास्पाइनस फोसा और जो डोर्सल सर्फेस है सबसे पहले तो वो कॉन्वेक्स होगी ठीक है कॉन्वेक्स मीन्स की उभरी भी होगी और उसमें एक स्पाइन पाई जाएगी जो कि उसे उसकी डॉसर सरफेस को सुप्रास्पाइनस एंड इन्फ्रास्पाइनस फोसास में डिवाइड कर देगी द कॉस्टल मीन्स के एंटीरियर सरफेस, द कॉस्टल सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्केव सब स्केप्टर फोसा देखो कॉस्टल सर्फेस कॉन्केव टाइप की होती है क्योंकि उसके अंदर एक सब स्केपुलर फोसा होता है जो खुद कॉन्केव होता है ठीक है टू फिट ऑन दी कॉन्वेक्स चेस्ट वॉल जो कि जिसके अंदर चेस्ट वॉल जो कि खुद चेस्ट वॉल कॉन्वेक्स होती है तो उसे फिट होना होता है तो इस वजह से हमारी जो कॉस्टल सर्फेस है स्केपुलर की वहां पर हमें एक कॉन्केव फोसा मिलता है जिसे सब स्केपुलर फोसा कहते हैं ये सारी चीजें मैं डायग्राम में दिखाऊंगी द थिकेस्ट लेटरल बॉर्डर रन फ्रॉम द ग्लीयट कैविटी अबव टू द इन्फीरियर एंगल बिलो और थिकेस्ट जो लेटरल बॉर्डर है वो ग्लीनोयट कैविटी से क्या करेगा ग्लीनाइड कैविटी से स्टार्ट होगा और इन्फीरियर एंगल से जो है वो एंड होगा अब ये सारे पॉइंट्स हम लोग इसकी डायग्राम में डिस्कस करते हैं कि किस किस पॉइंट की बात की गई है साइड डिटर्मिनेशन में कौन कौन से पॉइंट जो है वो आप लोगों से बेसिकली पूछे जाते हैं आपसे क्या कहा जाता है कि किस तरीके से आप लोगों ने डिफाइन किया देखो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपने इंग्लिश में यही सारी चीजें रट के उन्हें बता देनी है ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता आपके कंसेप्ट बने हुए हों कि कौन सी चीज आपसे वाईवा एग्जामिनर आपसे नॉर्मली उर्दू में ये क्वेश्चन करता है कि बताएं कि आपने इसे कैसे डिटरमाइन किया तो आप उसे क्या बताएंगे ठीक है सो तो आपने ये सारे पॉइंट आपको बताने अब किस तरीके से बताने है? वो मैं आप लोगों को बताती हूँ देखो ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास स्केपला है ठीक है ये इसकी कॉस्टल सरफेस है कॉस्टल सरफेस का मतलब होता है एंटीरियर सरफेस और ये इसकी कौन सी सरफेस है ये इसकी डॉसल सरफेस सर्फ है हम लोगों ने जो पहला पॉइंट डिस्कस किया था वो पहला पॉइंट ये था कि इसकी जो लेटरल और ग्लिनोइड एंगल होता है उस पर कैविटी होती है जिसे हम लोग ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं सो so, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि ये पॉइंट्स ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए ना ठीक है हम लोगों ने कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था हम इस चीजों को यहाँ पे देख के कहते हैं देखो सबसे पहले हमने लेटर और ग्लिनोइड एंगल के बारे में डिस्कस किया था हमने लेटरल और ग्लिनोइड एंगल के बारे में क्या डिस्कस किया कि इसके ऊपर ग्लिनोइड कैविटी होती है सो ये हमारे पास जो है वो ग्लिनोइड एंगल है ठीक है ये हमारे पास लेट्रल एंगल है और ग्रीन एंगल है जहां पे ये, लेटर। है ये, है। so ये लेटरल एंगल है या कैविटी कह रहे हैं सो ये हैल एंगल है जिसके ऊपर ग्रीनाइट कैविटी है सो so यही बात हमने डिस्कस की कि इसके लेटर एंगल के ऊपर एक ग्रीन कैविटी होगी ये लेट्रल एंगल है और उसके ऊपर ये ग्रीनाइट कैविटी है ठीक है ये बात कर दी कि यही हमारे पास लेटरल एंगल है या कैविटी कहलाता है ये हमने साइड साइडेंट कर ली जो मेन साइड होती है जहां पे आके ह्यूमरस की अटैचमेंट होगी दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा हमने कहा कि इसकी डोर्सल सरफेस होगी वो कॉन्वेक्स होगी और क्या होगी आ, क्या होगी उसमें एक स्पाइन होगी जो उसे दो पार्ट में डिवाइड करेगी दो में, फोसास में सुप्रास्पाइनस या इंफ्रास्पाइनस फोसास में सो ये इसकी जो है कौन सी सरफेस है डॉसर सरफेस या पुस्टीर सरफेस है ये वो स्पाइन है ये क्या है ये वो स्पाइन है ठीक है of of scapula, ये स्पाइन है क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्केपला मीन्स की ये स्पाइन है ठीक है जो कि इसकी कौन सी डॉर्सल सरफेस को डॉर्सल सरफेस जो कि कौन वैक्स होगी खुद क्या होगी कौन वैक्स है ये इसको जो है वो दो फोसास में डिवाइड करेगी ये कौन सा फोसा होगा ये हमारे पास सुप्रास्पाइनस फोसा है और ये हमारे पास इंफ्रास्पाइनस फोसा है सो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि हमने कहा था पीछे में क्या डिस्कस किया कि एक ट्रायंगुलर स्पाइन होगी जो कि इसे जो है सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस में डिवाइड करेगी तो ये चीज भी हमने डिस्कस कर ली इसकी पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर फिर हमने कहा कि इसकी जो कॉस्टल सरफेस है एंटीरियर सरफेस मींस कि इसकी बात कर रहे हैं इसकी जो कॉस्टल और एंटीरियर सरफेस है मीन्स की जो इसकी कॉस्टल या एंटीरियर सर्फेज है उसपे क्या होगा वो कौन केव होगी वो क्या है कौनकेव होगी ठीक है वो क्या है कौनकेव होगी और इसके अंदर सब स्केपरी फोसा होगा जो कि चेस्ट वॉल को फिट कर सके सो तो यहां पे देखो अगर मैं आपको जूम करके दिखाती हूं तो ये हमारे पास देखो ये हमारे पास इसकी कॉस्टल सरफेस है एंटीरियर या कॉस्टल सरफेस एक ही बात होती है ठीक है यहां पे हमारे पास क्या है सब स्केप्रोरिज फोसा है अब सब स्केप्रोरीज फोसा जो है वो खुद क्या है कौनकेव है क्या है कौन केव है मीन्स केव का मतलब होता है अंदर की तरफ मीन्स के आप समझ रहे हैं कैविटी सो so, ये कॉनकेव होगा यहां पे आके concave, जो कॉन्वेक्स चेस्ट वॉल आके फिट होती है तो इसे सब फोसा कहते हैं तो हमारे पास ये फोसा भी हमें मिल गया फिर हमने कहा कि इसका जो लेटरल बॉर्डर है वो ग्लिनयर कैविटी से स्टार्ट होगा और इन्फीरियर एंगल तक आएगा सो so, इसका जो ये लेटरल बॉर्डर है ठीक है ये हमारे पास लेटर बॉर्डर है ये लेटर बॉर्डर देखो ग्लीनाइट कैविटी से स्टार्ट हो रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है और इसके इनफीरियर एंगल तक आ रहा है तो हम लोगों ने अब ये वो पॉइंट है जिनकी बेसिस में हमने कहा कि भाई ये हमारे पास स्केपला इस है इसके बेसिस पे मैंने स्केपला को पहचाना है तो आपसे साइड डिटर्मिनेशन के अगर पॉइंट पूछे जाए तो आप कहेंगे कि स्केपला के ऊपर जो है सबसे पहले हमारे पास एक जो लिटरल हमारे पास एंगल होगा या ग्लीनाइट एंगल होगा वहां पर हमारे पास ग्लीनाइट कैविटी होगी जो कि ये है ठीक है दूसरा पॉइंट इसकी जो हमारे पास कॉस्टल सरफेस है या इंटीरियर सरफेस है वो कॉन्केव होगी जहां पे सब इसका फोसा होगा जहां पे चेस्ट और डॉके अटैच होगी फिर हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया वही कि इसका जो लेटरल बॉर्डर है वो स्टार्ट कहा होगा ग्लोनाइ कैविटी से और एंड होगा इंफीरियर एंगल पे और इसकी पुस्टियर सरफेस या जोसा सरफेस के बारे में हमने डिस्कस किया कि इसकी पुस्टियर सरफेस के ऊपर एक स्पाइन होगी मेन पॉइंट ये होता है स्पाइन होगी वो स्पाइन इसे जो है वो सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस में डिवाइड कर देगी सुप्रास्पाइनस फोसा इन्फ्रास्पाइनस फोसा में डिवाइड कर देगी सो so, ये हम लोग डिस्कस किया तो ये साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स होते हैं जो आप लोगों को आने चाहिए सो so, इन्हीं पॉइंट्स को मैंने इस पेज पे लिखा है आप अपने पास लिख लें ताकि आप लोगों के लिए भी इजी रहे ठीक है मैं ये पॉइंट्स आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इन पॉइंट्स को किस तरीके से लिखा है ठीक है हम लोगों ने इन इन्हीं चीजों को जो है वो डिस्कस किया साइड डिटर्मिनेशन में सबसे पहले आपको पता हो कि बोन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन हो जनरल इंट्रोडक्शन हो जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये बोन जो है वो थिन होती है पोस्टो लेटर के पीछे की तरफ हमें मिलेगी दो सरफेसेस होंगे तीन बॉर्डर्स होंगे तीन एंगल तीन प्रोसेस ये सिर्फ इसका जनरल इंट्रोडक्शन है ठीक है ये इंट्रोडक्शन डिस्कस कर साइड डिटर्मिनेशन में हमें लेटरल और ग्रीनर एंगल के बारे में पता हो तो वो हमने डिस्कस किया कि

कौन देखो अब ये खुद कॉन वैक्स होगी क्या होगी कॉन वैक्स कॉन वैक्स मीन्स की इस तरीके से होगी ठीक है इस तरीके से यूं ही है ठीक है मीन्स की उभरी हुई बाहर की तरफ निकली हुई होगी उसके बाद हम लोगों ने कॉस्टर सरफेस मीन्स की एंटीरियर सरफेस की बात की तो एंटीरियर सरफेस कॉन केव होगी यहाँ इस तरीके से होगी ये देखो यूं कैविटी की तरह बनी हुई होगी तो तभी चेस्ट वॉल आके इस पे फिट होगी जो खुद चेस्ट वॉल क्या होती है कॉन्वेक्स होती है सो so वो आके यहाँ पे फिट होगी ठीक है ये कॉन्केव होगा यहाँ पे हो सब फोसा होगा इसे हम लोग सब स्केप्रिस्ट फोसा ही कहते हैं जो इसके अंदर स्पेस बन रहा है ये जो इसका स्पेस बन रहा है इसे सब सब स्केप्रिज फोसा कह रहे हैं यहाँ पे कॉन्केवस चेस्वर फिट होगी उसके बाद लेटर बॉर्डर जो है वो इसका थिक होगा लेटर बॉर्डर इसका थिक होगा यहाँ पे हमने लेटर बॉर्डर की बात की लेटर बॉर्डर थिक होगा और ग्लीनाइड कैविटी से लेके इन्फीरियर एंगल तक आएगा सो ग्लिनर कैविटी से लेके इन्फीरियर एंगल तक इसका लेटल बॉर्डर आ रहा है सो so, ये हमारे पास साइड डिटरमिनेशन के पॉइंट है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा ठीक है ये चीजें आप लोगों को समझ आ जाएंगी तो बोन्स आपके सामने आएगी ना तो आपके पॉइंट ये सारे पॉइंट आपके जहन में होंगे तो बोन को आइडेंटिफाई करना आपके लिए ईजी हो जाएगा सो so, ये आप इस तरीके से स्क्रीन शॉट लेते जाए इन सब चीजों का इन सब पॉइंट्स का ताकि आप लोगों के पास नोट्स भी आपके जो है वो बनते जाए तो जब आप इस टॉपिक को उठाएंगे तो आपके माइंड में सारी वीडियोज जो है वो रिकॉल होगी आपको सारे पॉइंट जो है ईजिल आप याद कर सकते हैं तो आज हमने सारे डिटर्मिनेशन इसकी डिस्कस किए इसके बाद हम इसके बॉर्डर्स को इसकी हर जो है वो बॉर्डर को डिस्कस करेंगे हर सरफेस को डिस्कस करेंगे हर एंगल को हर प्रोसेस को ठीक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आप इनऑट नहीं पढ़े हो तो आपको हर एक एक पॉइंट क्लियर हो ठीक है उसके बाद फिर हम इसकी अटैचमेंट की तरफ जाएंगे उसके क्लिनिकल्स की तरफ जाएंगे उसकी ओसिफिकेशन की तरफ जाएंगे सो so अब तक जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है वो पूरा स्केपला के Uh, जो इन जनरल इंट्रोडक्शन था वो डिस्कस कर लिया था ठीक है uh, और उसके बाद एंगल एंड बॉर्डर्स प्रोसेस के बारे में मैंने सिर्फ आप लोग को डिस्कस करके बताया था कि कौन कौन से किस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं सो so, अभी हम लोग ने साइड डिटर्मिनेशन कर ली uh, फिर उसके बाद हर एंगल को हर बॉर्डर को हर प्रोसेस को डिस्कस करेंगे डायग्राम भी दिखाऊंगी मैं आपको और उसके साथ आपको थ्योरी भी बताऊंगी अटैचमेंट्स की हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात की थी ठीक है उसके बाद हम लोगों ने लिगामेंट्स की कैप्सूल्स की और क्लिनिकल्स की सो so ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं अभी हम लोगों ने साइड uh, डिटर्मिनेशन के पूरे पॉइंट भी डिस्कस किया और उसको डायग्राम से भी डिस्कस किया आगे चलकर हम लोग पूरे फीचर्स को डिस्कस करेंगे जिसमें बॉर्डर और हमारे पास एंगल्स uh, और प्रोसेसेस की बात होगी ठीक है इसी तरीके से प्रोसेसेस बॉर्डर एंगल्स और सर्फेसेस की बात होगी और डायग्राम्स को भी देखेंगे सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस पे जो है वो शेयर भी करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस अपलोड करूँ और दूसरे बच्चों का भी फायदा हो सके सो डेट दट अल्लाह गाइज